सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक एक्टर और एक्ट्रेस है। कई फिल्मों में आने से पहले सड़क पर सोया तो किसी ने गार्ड की नौकरी की। रजनीकांत तो बस कंडक्टर थे और आज एक सुपरस्टार है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जो फिल्मों में आने से पहले कभी वेटर तो कभी सिक्रेटरी गार्ड की नौकरी करते थे। ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड और टॉलीवुड सुपरस्टार नासर है। नासर न केवल एक्टर है बल्कि एक जाने माने फिल्म निर्देशक भी है। मद्रास के चंगल पट्टी में 5 मार्च 1958 को जन्मे नासर का पूरा नाम एम नासर है। इन्होंने बतौर एक्टर अपने फिल्मी करियर का शुरुआत 1985 में तमिल फिल्म से की थी। उनकी पहली मूवी कल्याण आगा थिगल थी। नासर को फिल्मों का काफी शौक रहा है। वो फिल्मों के इतने शौकीन रहे हैं कि छोटे मोटे रोल पाकर भी काफी खुश होते थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता था। नासर भले ही फिल्मी करियर की शुरुआत कर ली थी लेकिन उनके लिए ये सफर अभी भी आसान नहीं थी। फिल्मों में छोटे रोल मिलता था तो काम कर लिया करता था। आगे के लिए उन्हें कड़ा मेहनत करना पड़ा। शुरुआती दिनों में छोटे रोल से घर के खर्चे पूरे नहीं होती थी तो जीविका चलाने के लिए उन्होंने वेटर और सिक्रेटरी गार्ड का नौकरी की। इस कठिन परिश्रम और उतार चढ़ाव के बीच उन्होंने हौसला नहीं हारा बल्कि डटकर मेहनत करते रहे और अपनी सपनों को बुलंदियों तक लाने के लिए काम करते रहे और आज एक सफल अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। करियर के शुरुआती दिनों के कठिन परिश्रम के बाद एक समय ऐसा आया जब उन्हें काम मिलने लगे, नई फिल्मों का ऑफर आने लगे। उन्होंने अपने शानदार अभिनय के चलते इंडस्ट्री में पहचान बना ली। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने लोगों को एक्टिंग से दीवाना बना लिया। उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी फिल्म बाहुबली से मिली। उसमें उनका किरदार बिजल देव का था। अगर उनकी फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने तमिल के अलावा हिंदी, तेलुगु, मलयालम और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है।